फादर्स डे है तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। ये परफॉर्मेंस है हमारे सभी प्यारे डैडीज के लिए। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं तीन पैरों वाली रेस के साथ। तालियां हो गए। सभी डैडीज अपने बच्चों के साथ तैयार हो जाएं। रेडी स्टडी गो। और सबसे पहले विनर लाइन तक पहुंच चुके हैं जोई पार्कर और ग्रेम पार्कर। पार्कर्स को बहुत बहुत बधाई हो। ग्रैंड माउंटेन फादर्स डे की विजेता के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जोई हम जीत गए जोई। डैडी ये वुहू डैडी रुकिए रुकिए। रोना बंद करो डैडी आ गए हैं। चलो अब मुझे हंसकर दिखाओ तो जरा। मुझे गुस्सा आ रहा है। बकवास रेस, बकवास दिन और सब कुछ बकवास। हे, देखकर नहीं चल सकते क्या तुम? रेस में मजा नहीं आया क्या? डैडी की बच्ची, डैडी के पास आ जाओ। आज आपको यहाँ होना चाहिए था। आज फादर्स डे है और मुझे भी अपने डैड के साथ रहना था। काश मैं आपको जानता हूँ, काश मुझे आप याद होते, काश कोई तो रास्ता होता। क्या हावी यहाँ आया था? हाँ, वो वहाँ है। लासी, जोई तुम्हारे साथ है ना? तो तुम अकेली आई हो? गुड, यहाँ आ जाओ। बस एक मिनट। तो हार्वे को क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, पर आज वो काफी अजीब लग रहा था। वो ऐसे कर रहा था। मैंने ये देखा है, इसे डांस कहते हैं। नहीं, डांस में तो इंसान ऐसे करते हैं। बस करो, क्या वो कोई आवाज निकाल रहा था? हाँ, निकाल रहा था कुछ ऐसे। और हाँ, उसकी आंखें भी गीली थी। इसका मतलब ये डांस तो बिल्कुल नहीं है। यकीन नहीं हो रहा, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। वो रो रहा था, मतलब वो उदास था या खुश था। इंसान लोग ऐसा ही करते हैं, वो रोते हैं। हार्वी को उदास नहीं होना चाहिए। किसी को भी नहीं, पर खास करके हार्वी को। वो बहुत अच्छा है ना। मुझे वहाँ वापस नहीं जाना लसी। वो पिकनिक डैड और बच्चों के लिए है, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। मेरे डैड यहाँ है, देखो, जेसन स्मिथ। वो दुनिया के सबसे जाने माने क्लाइंबर्स में से एक थे। वो दुनिया भर में घूम चुके थे।
ये उनकी फेवरेट जगह थी लासी, पर मैं यहाँ कभी गया नहीं क्योंकि मैं उन्हें जानता तक नहीं। मैं मेरे डैड को नहीं जानता। पता है, मैं आ रहा हूं। मेरे लिए आज ही फादर्स डे है। नहीं, पर वो यहाँ नहीं है। मैंने कल के पिकनिक के बाद से उसे देखा ही नहीं है। तुम चाहती हो मैं तुम्हें पकड़ूं? ओके। उसने तुम्हारे लिए कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा है? नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं वो कहाँ है। हा? तुम सब पर नजर रखना। क्या बात है, हार्वी कहाँ है? हम नहीं जानते हैं स्वीट हार्ट, वो आज सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ है। डैड, हार्वी की मॉम से कहिए हमें बाहर मिले, शायद लासी कुछ जानती हो। जाओ, हम लोग आते हैं। हार्वी! ओह, शायद लैसी कुछ जानती है। चलिए। ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? हार्वी सुबह से गायब है और किसी को नहीं पता वो कहाँ पर है। बेचारा लड़का, शायद वो कुछ ऐसा ढूंढ रहा होगा जिससे वो वापस खुश हो जाए। हमें उसे वो ढूंढ कर देना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। तुम किस चीज से खुश होते हो? तुम किस चीज से खुश रहते हो? कचरे से। ओ बॉय, तुम ये कर लोगे, तुम ये जानते हो। मिसेस स्मिथ, नीचे आइए, लैसी को हार्वी की सीक्रेट रूम मिल गई। देखिए ये सब क्या है। ये सब तो हार्वी के डैड के बारे में है ना? एक क्लाइंबर को बताते हुए जेसन स्मिथ की मौत हो गई। मुझे नहीं पता था उनके साथ ऐसा हुआ। वो लोग तब एंडीज में थे जहाँ टूरिस्ट थे। इन्होंने तीन लोगों को बचाया और फिर चौथी को बचाने गए तो जेसन ऐसे ही थे। हे, लगता है यहाँ पर कुछ था। ओह नो, कहाँ गया? यहाँ पर एक मैप था। तो मैं जानती हूँ वो कहाँ होगा। जोही, ये खतरनाक है। क्यों, क्या बात है? हार्वी स्मिथ लेक पर हाइकिंग के लिए गया है, मुझे पक्का यकीन है। तो क्या हुआ, इसका उसके डैड से कुछ लेना देना है? हाँ, ये उनके लिए बहुत खास जगह थी। वो छोटा सा माउंटेन लेक है, पर जेसन को वो जगह बहुत पसंद थी। तुम्हारे डैड ने उस लेक को जेसन का नाम दे दिया जब वो साउथ अमेरिका से वापस नहीं आए। तो इसीलिए हार्वी वहाँ पर गया है, ये तो अच्छी बात है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पार्क की सबसे खतरनाक हाइक में से एक है और वो वहाँ अकेला है। तो चलिए चलते हैं। तुम वहाँ नहीं जा सकती, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और आप उसकी मॉम है, उसे हमारी जरूरत है। तो ठीक है, चलो। वाह, काफी मुश्किल था ये,
अच्छा तो वो यहीं पर है। हमने मेरे डैड से कहकर हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मंगवाया? यहाँ पर फ्लाई करना सेफ नहीं है, पर तुम्हारी डैड रेस्क्यू टीम को अलर्ट करने के लिए कह सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हमें उन्हें यहाँ बुलाना होगा। लगता है हार्वी ऑलरेडी मुसीबत में फंस चुका है। यहाँ पर एक भी क्रैक कैसे नहीं है? पता नहीं, अब मुझे एक मिनट। जेसन स्मिथ, थैंक्स डैड। मुझे पता है आर्मी को कैसे खुश कर सकते हैं। उसे कोई चमकीली बढ़िया चीज देते हैं। पिकू है, तुम्हारे नेस्ट में तो बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी। बिल्कुल, पर मुझे लगता है कि उसे बर्थडे केक अच्छा लगेगा। लोबर, शायद तुमने वो कहीं पर छुपा कर रखा है ना? बिल्कुल, पर हुडीनी, तुम तो इंसानों को ज्यादा अच्छे से जानते हो ना। तुम्हारे पिंजरे में ऐसा कुछ नहीं है जो हार्वी को पसंद आ जाए। हमें सिर्फ उसे बताना है कि हम उसकी फिक्र करते हैं, राइट? बिल्कुल, इसका मतलब कुछ चमकीला और मजेदार। या तो उस पर शुगरी फ्रॉस्टिंग लगी होगी। पर जोई के घर में जाएगा कौन? या फिर कुछ चमकीला। अब तुम ही कुछ कर सकते हो बेथ। मैं इस पे बहुत बुरी हूँ। हाँ, हार्वी ही हमेशा लोकेशन का पता लगाता है। उसे ये सब करना अच्छा लगता है ना? वो गिफ्टेड है। हाँ, जानती हूँ, काश मैं भी होती। हार्वी तो सही रास्ते पर होगा, पर हमारा क्या? लगता है ये जानती है हार्वी किस तरफ गया। सही है, लैसी कंपस से भी ज्यादा तेज है। हाँ, चलिए। हार्वी ने हमारे लिए क्लिप्स छोड़ रखी है। वो लास्ट वाली क्लिप उसके डैड ने लगाई थी। वो मिल गया, लैसी ने ढूंढ लिया। हार्वी, बेटा तुम नाराज हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुमने तो मुझे डरा दिया था। I'm sorry, mom. मुझे खुशी है तुम ठीक हो। मैं नहीं कर पाया, मैंने कोशिश की पर मैं बहुत छोटा हूँ। तुम छोटे नहीं हो, ये क्लाइंबिंग बहुत मुश्किल है। तुम्हारी उम्र के हिसाब ये बहुत ज्यादा है। बड़े होने के बाद तुम इसे फिर से ट्राई करना, मुझे यकीन है तुम ये कर पाओगे। I miss him. मैं उन्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। वो ही बात जानते हैं, और ये भी जानते हैं तुम बेस्ट हो। उन्हें तुम पर नाज है। वो किसके जैसे थे? वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे, और तुम उनके जैसे हो। पर मैं उनके जैसा क्लाइंबर नहीं हूँ। बन जाओगे बड़े होने के बाद। अब चलो चलते हैं। एक मिनट रुको। तुम्हारी मॉम ने कहा था कि तुम्हारे डैड ने ऐसे रास्ते ढूंढे थे जो किसी को नहीं पता। तो इस रास्ते से तुम्हारे डैड ऊपर आए थे, पर ये इकलौता रास्ता नहीं। हाँ मॉम,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नॉर्थ फेस है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है जो यहाँ एक और रास्ता है। थोड़ा मुश्किल है पर हम कोशिश कर सकते हैं। तो चलो। यहाँ से नीचे जाना है। हाँ चलो। हमें यहाँ से ऊपर चढ़ना होगा। वाव! यहाँ से तो किसी सीक्रेट रास्ते जैसा लग रहा है। पर हार्वी के लिए ये सीक्रेट नहीं है। चलो। हमारे लिए रुको हार्वी। बस हम पहुँचने ही वाले हैं। चलो जल्दी। यहाँ एक और रास्ता है। मैं उसे देख कर आता हूँ। हार्वी, तुम बर्फ पर खड़े हो। तुम्हें क्रैम्पॉन्स पहनने पड़ेंगे और हार्नेस यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर फिसलन नहीं है, देखिए। हार्वी रुको, कुछ गड़बड़ है। नहीं हार्वी। लासी, थैंक यू सो मच। हार्वी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मॉम। लासी ने मुझे बचा लिया। हुरे! मैं क्रैम्पॉन्स पहन रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ। ओ? विश्वास नहीं हो रहा। मॉम, लासी ने रास्ता ढूंढ लिया। मुझे वो रास्ता दिख रहा है। हम अभी वहाँ जा सकते हैं। हाँ, नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, यहाँ से ज्यादा आसान है। मैं आपको मैदान में मिलता हूँ। नहीं हार्वी। मुझे यकीन है मॉम, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, हम वहीं पर मिलते हैं। आई लव यू मॉम। आई लव यू टू। लासी, मुझे तुम दिख नहीं रही हो। कहाँ हो तुम? हाँ? वाह! हे डैड, मैंने कर लिया। कहाँ जा रही हो? रुको लासी। लासी, क्या मेरे डैड ने ये बनाया होगा? ये क्या है? डैड? इस खास जगह पर तुम्हारा स्वागत है। मैं हूँ जेसन स्मिथ, रॉक क्लाइंबर, और एक हफ्ते पहले से एक पिता। मैं अपने बेटे को कुछ देना चाहता था जो बिल्कुल उसके जितना ही सुंदर और परफेक्ट हो, और फिर मुझे ये लेक दिखा। जब तक चाहो यहाँ रुक सकते हो, पर याद रखना कि मैं जेसन स्मिथ इस लेक को मेरे बेटे के नाम करता हूँ, हार्वी टिकेट्स स्मिथ। जब वो बड़ा हो जाएगा
तब हम यहाँ साथ में खड़े रहेंगे और तब मैं ये नोट पढ़ूंगा जो उसके पैदा होने के वक्त मैंने लिखी थी और मैं उसे दिखाऊंगा हमारा लेख। थैंक यू सो मच डैड। ये लासी है डैड, ये मेरा ख्याल रखती है बिल्कुल आपकी तरह। ये अलग दिख रहा है। उसने कर दिया। अब ये तुम्हारी रूम में ले जाओगे? हाँ, पहले ये बिल्कुल अलग थे, इन्हें देखकर दुख होता था, और अब? थैंक्स लासी, अब मुझे पता चल गया है जो तुम्हारी फिक्र करता है वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। मेरे डैड यहीं पर है, मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे खुशी हुई, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। थैंक यू बेथ, इसने मुझे ये क्यों दिया? शायद ये तुम्हें खुश करना चाहता होगा, इसीलिए छिपा कर लाया। शायद ये इसके लिए बहुत खास है। तब तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। थैंक यू बेथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था कि आज का दिन इतना ज्यादा अच्छा होगा। क्या बात है, सोने दो मुझे। तुम्हें मेरे परदादा जी का कैबिन मिल गया? हाँ, मुझे याद है तुम्हारे डैड ने कहा था कि वैली में वो क्रीक्स क्रॉस के पास है। हाँ, पर उन्होंने उतना ही कहा था। मेरे लिए उतना काफी है, मैं मैप पढ़ने में माहिर जो हूँ। तुम जानते हो वो वहाँ नहीं जाएंगे, उन्हें तो उसके बारे में बात करना भी अच्छा नहीं लगता। पता है, पर तुम वहाँ जाकर देखना नहीं चाहती वो दिखता कैसा है? हाँ, मैं नोट लिख देती हूँ। ओके, अब चलो। जोई। ओह हाँ, समझ गई। बफलो ड्रॉप की तरफ जाना है। ठीक है तो गाइस, अब सुनो, चलो चलकर कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। तुम्हें कोई जगह पता है जहाँ ब्रेड जैसा कुछ मिल जाए? मुझे ब्रेड बहुत अच्छा लगता है। काश मेरे पास थोड़ी आइसक्रीम होती, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ज्यादा उम्मीद मत रखना। ये क्या चिपक गया? जगह तो यही लगती है। मैंने ये रास्ता कभी नहीं देखा। तुम्हारे डैड इसके बारे में बात नहीं करते, इसलिए उन्होंने साइन नहीं लगाई। चलो देखते हैं वहाँ पर क्या है। स्ट्रॉबेरी मेरी फेवरेट। ओ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, तुम्हें आइसक्रीम का मन हुआ और तुम्हें ये मिल गया? हाँ हाँ, मैं बहुत लकी हूँ। हाँ, तुम लकी हो, और मैं बताता हूँ क्यों, इसकी वजह से। मुझे नहीं लगता, पर तुम वो ले सकते हो। हाँ, मैं ले रहा हूँ। ओ, मैं इसे फील कर सकता हूँ, मुझे लक फील हो रहा है, बहुत अच्छा होने वाला है देखो। हमें उसके पीछे जाना चाहिए।
हाँ चलो। लगता है यहाँ से सालों से कोई नहीं गुजरा है। मैप में देखकर लगता है दूसरे रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे शहर के उस तरफ से। और ये अब बता रहे हो? हार्वी रुको। ये क्या है? वाओ! यहाँ पर इतने सारे भालू क्यों हैं? शायद यहाँ पर उनकी पसंद की कोई चीज होगी। मुझे लगता है वो देखो। वाओ! ये तो मधुमक्खियों का शहर लग रहा है। या फिर बेयर कैफे। एक प्रॉब्लम है जोई। ये मत कहना हमें उनके बीच से जाना होगा। हाँ वही एकलौता रास्ता है। अगर मैं इन मधुमक्खियों के झुंड से निकल गई तो मैं ये जंग जीत जाऊंगी। वहाँ पर बहुत सारे भालू भी हैं। भूलना मत। मजाक कर रही हो क्या? बिल्कुल। हम निकल गए लासी। ऑसम। बहुत मजा आया। फिर से करना चाहती हो? नहीं। किस तरफ? वहाँ। चलो। वो बहुत जल्दी निकल गई। उसने नोट छोड़ी है। शायद वो और हार्वी आज टू क्रीक्स की तरफ गए हैं। मतलब केविन? शायद हार्वी ने वहाँ का रास्ता ढूंढ निकाला होगा। उनका भी देखने का मन होगा। तुम कभी उस बारे में बात नहीं करते और उन्हें पता भी नहीं होगा क्यों। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है पर उसके साथ मेरी खराब यादें जुड़ी हुई हैं। जाओ, तुम्हें वहाँ जाकर बच्चों को देखना चाहिए और तुम्हें उसका सामना भी करना चाहिए। मेरे डॉगी और मेरे दादाजी दोनों वहीं पर मर गए थे और वो भी मेरी वजह से। ये बात है, तुम तब बच्चे थे। जो भी हुआ होगा उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आखिर बात क्या है लासी? चलो हार्वी। वाओ! तुम पक्का ये करना चाहते हो? हाँ, खाना वहीं पर तो है। पर मुझे नहीं लगता कि तुम अंदर जा सकते हो। मेरे पास ये लकी गम नहीं होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी पर अब है, अब कुछ नहीं होगा। यू नो, ये अपना दिमाग का संतुलन खो चुका है। किसे पता, मैं गलत भी तो हो सकता हूँ। शायद ये गम सच में लकी हो। एब्रेकडेब्रे, दरवाजे खोलो। हेलो, विश्वास नहीं हो रहा। रॉड, ओ रॉड सुनो तो। या शायद नहीं। इस जगह को देखो हार्वी, कितना सुंदर है। तुम्हारे डैड इस जगह से दूर क्यों रहते होंगे? ये तो कितनी खूबसूरत जगह है। सही कहा हार्वी, देखो मेरे परदादा जी का कैबिन। चलो। दुनिया की सबसे सुंदर जगह को छोड़कर तुम वहाँ अंदर जाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। लासी देखो, पार्कर
माइनिंग क्लेम में आपका स्वागत है। इसे अपना ही घर समझे। मुझे डॉक्टर से कितनी ही ज्यादा नफरत क्यों ना हो, टेस्ट करवाने के लिए मुझे जॉनसन सिटी जाना ही पड़ता है। ये कैबिन जरूरतमंद लोगों के लिए खुला छोड़कर जा रहा हूँ। अब जब तक चाहे यहाँ रुक सकते हैं और कबर्ड से जो भी चाहे ले सकते हैं। मैं सिर्फ दो चीजें मांगूंगा। पहली, यहाँ कुछ ऐसा छोड़कर जाएं जो अगले यात्री के काम आ सके, और दूसरी, पीछे की तरफ की कब्र से मिट्टी हटाकर जाएं। वो हमारे परिवार की सबसे वफादार दोस्त की है, शैडो, जिस डॉग ने मेरे पोते ग्राहम की जिंदगी बचाई थी। आपका होस्ट, जेट पार्कर। नहीं! मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, रुक जाओ। लगता है इसने अपना गुड लक चार्म खो दिया। शायद मैं उसके चक्कर में बहक गया था। तुम्हें ऐसा लगता है? शायद गुड लक चार्म जैसी कोई चीज होती ही नहीं जो आपको खुश रख सके। बिल्कुल होती है। होती है? हाँ, हुडीनी, जैसे कि तुम्हारे दोस्त। सही कहा। गाइस, ग्रुप हग। गाइस, अरे रुको, मुझे गले लगो। हे, यहाँ पर देखो। शैडो, ये तो मेरे डैड का डॉग था। तुम्हारे डैड? अब मुझे समझ आया। वैसे मुझे ये घास के अंदर मिला। इसके अंदर एक खत भी है, किसी बच्चे ने लिखा है। शायद तुम्हारे डैड ने लिखा हो। शायद तब वो 8 साल के थे। शैडो को किसी सांप ने काटा था मेरे डैड को बचाते हुए। उन्हें लगता है शैडो उनकी वजह से मरा होगा। क्या ये सच है? इस नोट से तो ऐसा नहीं लग रहा है। मेरे डैड के दादाजी ने शैडो को दफनाया था और फिर वो जॉनसन सिटी में किसी डॉक्टर के पास गए थे क्योंकि वो बीमार थे। समझ गया, तुम्हारे डैड सिर्फ 8 साल के थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आया होगा। पहले डॉग मरा और उसके बाद दादाजी। उन्हें लगा होगा कि ये सब उनकी गलती है। ओह नो, बेचारे डैड। हम उन्हें जाकर सब बता सकते हैं। फिर डैड को यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो यहाँ आकर शैडो को देख भी सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या बात है गर्ल? छिप जाओ। हम लोगों ने एरोप्लेन से ये जगह देख ली थी और मैं पिछले हफ्ते यहाँ आकर गया था। तुम अपना बार उस तरफ सेट कर सकते हो। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये जगह लग्जरी होटल बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही शांत है। हाँ। और एक बार वो पहाड़ हट जाएगा तो व्यू बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये लोग यहाँ होटल नहीं बना सकते, ये तो पार्क की जगह है। असल में पार्क तो वहीं पर खत्म होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इन लोगों को यहाँ होटल कभी नहीं बनाने दूंगी। ये शैडो की वैली है, इनकी नहीं। पर हम कर भी क्या सकते हैं? मिस्टर हम्फ्रीज सही है, ये जगह सच में बहुत अच्छी है। हाँ, ऐसा उनको लगता है, पर शायद हम उनकी सोच बदल सकते हैं। शैडो। हाँ? लैसी, तुमने शीप की आवाज सुनी है? कभी स्कंक की सुनी है? मैं समझ गया, मक्खियाँ कैसी रहेंगी? अगर हम उन लोगों को उन मधुमक्खियों के नजदीक ले जाएं, तो बहुत मजा आ जाएगा। आहा? पर हम लोग ये करेंगे कैसे? हम नहीं करेंगे। भालू अभी सो रहे हैं। मक्खियाँ नहीं सो रही। धुआं, इससे वो शांत हो जाएंगी।
मुझे एक लकड़ी लाकर दो, पर संभल कर, वहाँ पर जहरीली चींटियाँ हो सकती हैं। ये क्या कर रही हो? तुम्हारे ग्लव्स ले रही हूँ, ग्लव्स की वजह से मेरे हाथों में जहर नहीं लगेगा। तो होटल हम वहाँ पर बनाएंगे और ये यहीं पर रहेगा बीच में और वहाँ पर होगी पार्किंग। सही लग रहा है। हाँ, हम तैयार हैं। साइन कहाँ करनी है? ये स्कंक है। ये क्या? ए, या तो 5 स्कंक हैं। नहीं, ये नुकसान नहीं करती सच में। देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, रुको, उसे चींटी ने काटा होगा। इस तरफ। क्या तुमने ये नहीं बताया था कि यहाँ भेड़िये भी आते हैं? नहीं, मुझे इसके बारे में सच में कुछ नहीं पता था। मैं कुछ नहीं जानता। ये तो मक्खियाँ हैं। पानी में कूद जाओ। अब समझ में आ गया। हम लोग यहाँ पर होटल बिल्कुल नहीं बना सकते। यहाँ पर लोग वैकेशन मनाने कैसे आ सकते हैं? यकीन मानिए, यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई है। सही कहा, असली प्रॉब्लम वो मक्खियाँ नहीं थी, ये तो बच्चे हैं। तुम्हारा मतलब है इन बच्चों ने मिलकर ये सब किया? तुम इन बच्चों को जानते नहीं हो और इस कुत्ते को भी। तुम्हें हमारे यहाँ होटल बनाने से क्या प्रॉब्लम है? मेरे डैड यहाँ के हेड रेंजर हैं। वो यहाँ बचपन में आते थे उनके डॉग शैडो के साथ। शैडो सांप से मेरे डैड की जान बचाते हुए मारा गया था। ये कितने सालों पहले की बात है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शैडो की वैली है। देखो लड़की, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे डैड एक रेंजर है और उनके डॉग के लिए दुख भी है, पर सच बात यह है कि जैसे ही हमें इस जगह का मालिक मिल जाएगा, हम ये जगह खरीद कर एक आलीशान होटल बनाएंगे। बात समझ आई? होटल तो बन के रहेगा। थोड़ी लकड़ियाँ जलाकर यहाँ लंच बनाने के बारे में क्या ख्याल है? आइडिया बुरा नहीं है। बात अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं, खत्म हो चुकी है, घर जाओ। जोई, रुको। क्या बात है गर्ल? हार्वी, जल्दी यहाँ आ जाओ। ये क्या हो रहा है? ओह, ये तो भयानक है। इन भालुओं को खाना चाहिए। हे, ये भालू कहाँ से आ गए? आओ, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। संभल कर सब लोग, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये भालू हमारा कुछ नहीं कर सकते। क्या करें अब हम? अरे, तुम अच्छे भालू हो ना? भागो! अरे कुछ करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। निक, 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 तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। वो यहाँ से चला गया, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं। हे, वो
वो कुत्ता हमारा खाना चुरा कर भाग गया। इस वैली में कितने सारे भालू हैं? Come on! यहाँ, इस तरफ। मुझे पता है इस बार इसमें इन बच्चों का कोई हाथ नहीं। पर नीचे ले चलो। मैंने एक जार में नोट छोड़ी थी, हार्वी को मिली थी। तो तुम्हें पता है कि मैं सांप का शिकार कर रहा था और दादाजी के साथ क्या हुआ था? पता है, पर शायद आपको नहीं पता, मुझे कैबिन में ये नोट मिली। पर मुझे तो लगा था कि उन्हें भी सांप ने काटा था, शैडो की तरह। वो शैडो के मरने के बाद तुरंत मर गए थे। तुरंत नहीं मरे थे, वो यहाँ पर नोट लिख रहे थे कैबिन को बंद करने के लिए, और फिर वो जॉनसन सिटी के हॉस्पिटल में चले गए थे। मतलब उन्हें सांप ने नहीं काटा था और उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मतलब मैं इतने सालों से गलत फहमी में छोटे थे। मैंने कभी बात नहीं की तो मुझे कभी सच का पता नहीं चला। मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए, वरना अभी हम यहाँ पर होते। अब तो हम यही है ना। तो रेंजर पार्कर, इतने कम समय में यहाँ पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स हमें आपके डॉग के लिए दुख है, पर चिंता मत कीजिए, अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सच में? मेरी बेटी ने कहा तुम यहाँ होटल बनाना चाहते हो। बिल्कुल, पर यह पार्क की जगह नहीं है तो तुम हमें रोक नहीं सकते, और ये बहुत ही सुंदर जगह है, आपको नहीं लगता? आपको सबसे पहले ओनर से बात करनी होगी। जब वो हमारी ऑफर सुनेगा वो मना नहीं कर पाएगा। मुझे तो नहीं लगता है। ये आप कैसे बता सकते हैं? क्योंकि ये मेरे परिवार की प्रॉपर्टी है। क्या ये हमारी जगह है? हाँ, मैं यहाँ कभी नहीं आता था क्योंकि मैं अपने आप को दोषी मानता था, जो गुनाह मैंने किया ही नहीं था। चाहे हम यहाँ कभी आए ना आए, पर हमने टैक्सेस भरे हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब बात खत्म हुई। चलिए मैं आपको शहर के पास वाली दूसरी जगह दिखाता हूँ। अब हम लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं, हर बार। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि शैडो मेरा कितना अच्छा दोस्त था। जैसे कि लासी, वी लव यू लासी, शैडो की वजह से। मैं हमेशा चाहता था कि तुम भी ये जानो कि वफादार और प्यारा दोस्त कैसा होता है। हाँ, समझ गई डैडी, समझ गई।